तो दोस्तों हम जो है ये फॉरेन सिटी लंदन सिटी पार करके अभी हम आज जा रहे हैं टू द वे टू एयरपोर्ट। तो देखते हैं फिल्म सिटी का एयरपोर्ट अभी। तो दोस्तों ये फिल्म सिटी का ना एयरपोर्ट है ये। तो ये है एयरपोर्ट, यही है एयरपोर्ट। तो ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चलो सामने से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कुछ ये स्टॉल भी है, यहाँ से कुछ आप खा सकते हो, मतलब खरीद के। ऑफ कोर्स नहीं, फिल्म सिटी एयरपोर्ट से मैंने लिया है एक लस्सी। यहाँ पे हमारे जेंट्स ने लिया है माजा। यहाँ पे सैंडविच लिया है बहन ने। तो चलो पहले पी लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट में। और वैसे तो डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो उसमें तो मैं चढ़ा हूँ, पर इंटरनेशनल मैंने देखा नहीं था। तो ये फिल्म सिटी के ज़रिए यहाँ पे देखो इंटरनेशनल शायद ऐसा है जो स्ट्रक्चर अंदर का फ़्लाइट का वो कुछ इस तरीके का होगा शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल लग रहा है फ़्लाइट में हूँ जैसा लग रहा है। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं नेक्स्ट क्या मिलता है। ये था इंटरनेशनल फ़्लाइट जो आपको दिखाया हमने। तो यहाँ से अभी हम एग्जिट करते हैं, यहाँ से दूसरे बस में चढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या दिखता है। फॉरेन अपने स्वदेश भी है, सारे विदेश, बाहर जाने की जरूरत नहीं। यस अंत इकड़े ఉంది కాబట్టి తిరుగు వచ్చారు కదా। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकलते हैं। ये भी जो राइट साइड में केजीएफ 2 मूवी में ना हीरो और विलन एंट्री यहाँ पे यही रस्ते से दिखाया गया यहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये है आपका हवा महल। तो चलो आपको हवा महल का सैर कराते हैं। तो यहाँ से आप जो है ना पूरा फिल्म सिटी का व्यू ले सकते हैं। मिलेगा मसाला महल, सेंचुरी गार्डन, जापानीज गार्डन, बस बोर्डिंग पॉइंट और रेस्ट रूम। तो चलो पहले मसाला महल की ओर चलते हैं। यार क्यों क्यों खाओ पाइम तो लाइट लाइट ही खाई लो बोलेगा ना। तो ये है मसाला महल। Thank you.
तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जापानीज गार्डन की ओर। इस तरफ है आपका गार्डन कॉम्प्लेक्स है, स्नैक बार है, बस बोर्डिंग पॉइंट है, ड्रिंकिंग वाटर और रेस्ट रूम है। यहाँ पे आपको ड्रैगन वगैरह दिखने को मिलेगा शायद। तो ये है यहाँ का जापानीज गार्डन, इसके बाहर का। हीरा सा। तो चलो हम अंदर सकते हैं। Rupak. तो दोस्तों ये था जापानीज गार्डन और यहाँ का बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। वहाँ पे एक जापानीज कैफ़े है, आप आगे देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग जो है वहाँ पे हवा महल और गार्डन पार होके आए हैं। अभी आए हैं हम लोग यहाँ पे बटरफ्लाई म्यूज़ियम में, बटरफ्लाई गार्डन भी है ये, अस्करी गार्डन। तो दोस्तों ये है बटरफ्लाई गार्डन, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलेगा दिखने को। चलो आप लोग बने रहो वीडियो पर, आप लोग को दिखाता हूँ मैं। और ये है बटरफ्लाई म्यूज़ियम। यहाँ आपको सारे बटरफ्लाई लवर्स के लिए बहुत अच्छा है, सारे बटरफ्लाई के बारे में आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। जो हम मानते भी हैं ना जापान में भी है, सिंगल बटरफ्लाई इज़ कंसिडर्ड लकी व्हेन इट एंटर्स इनटू अ रूम। तो घर के अंदर अगर बटरफ्लाई आता है तो बहुत हम उसको लकी मानते हैं। सो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बटरफ्लाई का जो गार्डन है ना, ओरिजिनल बटरफ्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए बाय।